फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ कॉमेडी एंड दिस कॉमेडी इज द सिटी मैडम। इट इज रिटन बाय फिलिप मैसेंजर एंड पब्लिश्ड इन 1658। दिस कॉमेडी हैज वन एक्ट एंड फ्रेंड्स, ये कॉमेडी लिखी गई थी कैरोलिन पीरियड में और वो पीरियड था 1625 से लेकर 1649 तक, जिस टाइम चार्ल्स फर्स्ट किंग थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट इफ टिल नाउ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स आल्सो हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है सर जॉन फ्रूगल की। सर जॉन फ्रूगल जो कि एक मर्चेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिच मैन होते हैं। इनका जो भाई होता है लियुक फ्रूगल, जो अभी जेल से आया है और इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, मीन्स ये एकदम पुअर कंडीशन में होता है। तो जब ये अपने भाई सर जॉन के पास आता है तो इसका भाई इसके ऊपर दया करता है और इसको अपने पास घर पर ही जगह दे देता है रहने के लिए। सर जॉन फ्रूगल की जो वाइफ होती है लेडी फ्रूगल, उनका बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं होता है इसके लिए, और इनकी वाइफ लेडी फ्रूगल को ही यहाँ पे सिटी मैडम के नाम से जाना जाता है। सर जॉन फ्रूगल के दो असिस्टेंट भी होते हैं जिनका नाम होता है गोल्डवायर जूनियर एंड ट्रेडवायर जूनियर। गोल्डवायर जूनियर और ट्रेडवायर जूनियर इनका एज अ अप्रेंटिस काम कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इनको सैलरी नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये लोग इनके यहाँ काम करते रहते हैं। गोल्ड वायर और ट्रेडवेल को बहुत ही ज़्यादा दया आती है लियुक फ्रूगल के ऊपर, क्योंकि वो कहने के लिए तो सर जॉन फ्रूगल का भाई था, लेकिन उसको यहाँ पे बिल्कुल एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जाता था। चाहे वो सर जॉन की वाइफ लेडी फ्रूगल मीन्स सिटी मैडम हो या फिर उनकी टू डॉटर्स आने और मैरी। आने और मैरी यहाँ पे एक बहुत ही हाई फैशनेबल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और ये बिल्कुल भी अपने ही मिस अंकल लियुक फ्रूगल को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती। यहाँ पे अब जब ये स्टोरी चल रही होती है तो जब लियुक फ्रूगल वहाँ पे एज अ सर्वेंट काम करता है तो ये लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी मैटर पे, तो उसी टाइम पे एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर होता है जॉन फ्रूगल का और वो डॉक्टर बोलता है जॉन फ्रूगल से कि आप मुझे पैसे वापस करो जो भी मैंने आपको पैसे दिए थे। तो यहाँ पर सर जॉन फ्रूगल अपने भाई लियुक फ्रूगल की हेल्प से उसको बोलता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपको कुछ टाइम के बाद पैसे वापस कर दूंगा, आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही परेशान मत हो। तो यहाँ पे वो डॉक्टर यहाँ से वापस चला जाता है। अब यहाँ पे बात आती है गोल्ड वायर और ट्रेड वायर की। गोल्ड वायर को एक लड़की जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसका नाम होता है शेवीम, वो उसको प्यार करता है और उसके लिए कपड़े ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो कपड़े खरीदे कैसे क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका भाई लियुक फ्रूगल कुछ कॉन्स्परेसी करने की कोशिश करता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब इसी बीच यहाँ पे दो लड़के आते हैं जिसमें एक का नाम होता है सर मॉरिस लेसी और दूसरे का नाम होता है मिस्टर प्लेंटी। ये दोनों सूटर थे अन्ने और मैरी के, मीन्स सर मॉरिस लेसी जो कि शादी करना चाहते थे अन्ने से और मिस्टर प्लेंटी जो कि शादी करना चाहते थे मैरी से, लेकिन इनकी जो मदर होती है लेडी फ्रूगल वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती और उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों मिस्टर मॉरिस लेसी और मिस्टर प्लेंटी मेरी डॉटर्स के लायक नहीं है, तो ये अपनी डॉटर्स के साथ मिलके इन दोनों लोगों का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, तो इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद सर मॉरिस लेसी के फादर जिनका जो थे लॉर्ड लेसी, वो यहाँ पे इनके घर वापस आते हैं और सर जॉन फ्रूगल को बोलते हैं कि किस तरीके से तुम्हारी वाइफ ने और तुम्हारी दोनों लड़कियों ने किस तरीके से मेरे बेटे का मजाक उड़ाया है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो सर जॉन फ्रूगल बोलते हैं कि ठीक है, मैं उन लोगों से बात करके देखूंगा और फिर मैं उन लोगों को डांटूंगा भी,
इतने पे ये बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को पता चलता है कि सर जॉन फ्रूगल अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई ल्यूक फ्रूगल को दे दी है। अब जैसे ही ये बात ल्यूक फ्रूगल सुनता है तो ल्यूक बोलता है, अरे वाह, मुझे तो मज़े आ गए, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, अब तो मेरे लिए चीज़ बहुत अच्छी है। और सर जॉन फ्रूगल यहाँ से चले जाते हैं और ये जो इंट्रोडक्शन था कि सर जॉन फ्रूगल जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन दी थी लॉर्ड लेसी ने, जो कि सर मॉरिस लेसी के फादर थे। लॉर्ड लेसी ये भी बताते हैं ल्यूक फ्रूगल को कि सर जॉन फ्रूगल तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन दो इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं और तुम्हें उनको अपने घर पे ही रखना है। तो बोलता है कि ठीक है। अब ये जो इंडियंस थे, ये इंडियन कौन था? ये सर जॉन फ्रूगल ही डिसगाइज में आए थे और अपने आप को इंडियन बता रहे थे। वो डिसगाइज में इसलिए आए थे क्योंकि वो ल्यूक फ्रूगल की सारी चीज़ें देखना चाहते थे कि किस तरीके से मैंने ल्यूक फ्रूगल को अपने घर में जगह दी, उसको मैंने अच्छे से रखा, लेकिन उसके बाद भी ल्यूक फ्रूगल मेरी बेटी के साथ और मेरी वाइफ के साथ कैसा बिहेव करता है। तो वो डिसगाइज में वहाँ पे आ जाते हैं, ल्यूक फ्रूगल इनका वेलकम करता है और ये लोग हम वहीं पे रहने लगते हैं। अब ल्यूक फ्रूगल यहाँ पे सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। इतने में ही वो डैप्टर आता है, वो डैप्टर जिस जो कि पहले आया था सर जॉन फ्रूगल के पास पैसे मांगने के लिए, अब ल्यूक के पास आया है। तो वो ल्यूक से बोल रहा है कि आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। ये बात बोलने की जगह ये बोल रहा है कि आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बहुत जल्दी आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉमेडिक सीन बन जाता है कि होना क्या चाहिए था और एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे ल्यूक फ्रूगल बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। और यहाँ से ये वो जो डॉक्टर होता है वो यहाँ से चला जाता है। अब ल्यूक फ्रूगल ये डिसाइड करता है कि मैं जो भी पैसे, जितनी भी मनी मैं दूंगा, मैं उन अप्रेंटिस को दूंगा जिसको जो थे गोल्ड वायर और ट्रेड वेल, उन दोनों की ही मैं मनी दूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर को बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। और वो सारे डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने के बाद ये जो ल्यूक फ्रूगल था, ये लेडी फ्रूगल जिनको सिटी मैडम के नाम से जानते हैं, इनके साथ और इनकी दोनों डॉटर के साथ, अन्नी और मैरी के साथ बहुत ही गंदा बिहेव करता है। उनको मजबूर करता है कि आप ना एकदम फटे हुए कपड़े पहने, गंदे से कपड़े पहने, और उनको इस तरीके से व्यवहार करता है कि वो सीख जाए कि एग्जैक्टली ह्यूमिलिटी क्या होती है। और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था? वो ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि पहले जब ल्यूक फ्रूगल फर्स्ट टाइम इनके घर पे रहने आया था तो ये सिटी मैडम ने और उनकी दोनों डॉटर ने इसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया था, इसको एज अ सर्वेंट घर पे रखा था। तो अब ये इसी चीज़ का बदला ले रहा था क्योंकि उसको ये तो पता नहीं था कि सर जॉन फ्रूगल मेरा भाई भी यहाँ पे है। उसको तो लग रहा था कि वो हमेशा के लिए सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया है, लेकिन सर जॉन फ्रूगल यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे। जब और एक दिन क्या होता है, सर जॉन फ्रूगल अपने भाई ल्यूक फ्रूगल से बोलते हैं कि तुम इन लोगों को क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, इन सिटी मैडम को और इनकी दोनों डॉटर को, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि इन लोगों को एक जगह है इंग्लैंड, वहाँ पे भेज दो जहाँ पे इन लोगों का सेक्रीफाइस हो जाएगा, जो कि एक हिंदू का रिचुअल्स होता था, इन लोगों को वहाँ पर भेज दो। वो एक सेटानिक टाइप की डेविल्स का रिचुअल्स होता है, इन लोग को वहाँ पे भेज दो। तो यहाँ पे ल्यूक फ्रूगल बोलता है कि हाँ यार, ये सही आइडिया है, इस तरीके से मेरा इन लोगों से पीछा भी छूट जाएगा। और यहाँ पे ल्यूक फ्रूगल इन लोगों को भेजने की तैयारी स्टार्ट कर देता है। और तैयारी स्टार्ट करने के बाद जो ल्यूक फ्रूगल है वो यहाँ पे एकदम बिंदास रह रहा है। उसको लगता है कि सारे प्रॉपर्टी तो मेरी है, वो एकदम बेहिसाब पैसे खर्च कर रहा है, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, और अपना जो माइंड है ना वो 24 आवर्स कॉन्स्पिरेसी करने में लगाता रहता है। एट लास्ट फाइनली जब ये डिसाइड हो जाता है कि ल्यूक फ्रूगल इन सिटी मैडम को और इनकी दोनों डॉटर्स को यहाँ से इंग्लैंड भेज देगा उस सैटैनिक रिचुअल्स के लिए, तो तब यहाँ पे सर जॉन फ्रूगल अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील करते हैं।
और वो अपने ही भाई ल्यूक फ्रूगल को वर्जीनिया भेजते हैं प्रायश्चित करने के लिए, और यहाँ पे अपने फैमिली के साथ रीयूनिट हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी ल्यूक फ्रूगल ने उस ड्यूरेशन में जितने भी ऑर्डर पास किए थे उन सबको वो कैंसिल कर देता है। फ्रेंड, इसमें मैंने आपको दो तीन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताया है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन मैं बता दूँ वो दो कैरेक्टर ऐसे थे जो कि शेवी, मैंने आपको बताया कि गोल्ड वायर की जो वो थी बिलविड थी और एक प्रोस्टिट्यूट भी थी, जब वो ये बोलती है कि मुझे नए कपड़े चाहिए तो गोल्ड वायर यहाँ पे कोशिश करता है, और गोल्ड वायर और ट्रेडवेल ल्यूक फ्रूगल के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि किस तरीके से हम सर जॉन फ्रूगल के साथ धोखाधड़ी करेंगे और उनके यहाँ से पैसे चुरा लेंगे, जिसकी वजह से फिर मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा सकता हूँ। एक बार शेवीम के पास दो कस्टमर आते हैं जिनका नाम होता है रंबल एंड स्कफल। जब ये दोनों इसके पास आते हैं तो ये प्रटेन करती है शेवीम कि अब मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, अब मैं एक गुड लेडी बन गई हूँ, मैं जेंटल लेडी बन गई हूँ, और ये आर्गुमेंट करने लगती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेवीम यहाँ पे एक नाइफ उठा लेती है, जिससे नाराज़ होकर जो रंबल होता है वो तलवार निकाल लेता है। और इन लोगों का यहाँ पे एक स्ट्रगल होने ही वाला था कि गोल्ड वायर आता है और इस झगड़े को ख़त्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रैम्बल का और स्कफल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको इस सिटी मैडम की स्टोरी अच्छे समझ में आ गई होगी। मैं फिर से आपको एक बार समराइज़ कर दूँ कि जो सिटी मैडम की स्टोरी है वो ये है कि एक मर्चेंट होता है जिसका नाम होता है सर जॉन फ्रूगल, उसका एक भाई होता है ल्यूक फ्रूगल, वो अपने भाई को अपने घर पे ही रख लेता है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन बाद में जो इसका भाई ल्यूक फ्रूगल होता है वो कॉन्स्पिरेसी करके ही अपने भाई को धोखा देता है, उनकी वाइफ के साथ, उनकी डॉटर के साथ गंदा बिहेव करता है और इनके पैसे को बहुत ही गंदे तरीके से खर्च करता है। जॉन फ्रूगल भी अपने भाई की सारी हरकतों को जानने के लिए यहाँ से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन डिस्गाइज में फिर से इस घर पे आ जाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि जो मेरे भाई का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, किस तरीके से उसने इस यहाँ पे मेरे एब्सेंस में किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया है, तो वो अपने भाई को वहाँ से घर से निकाल देता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है और एट लास्ट अपने भाई को वर्जीनिया भेज देता है प्रायश्चित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस कॉमेडी में, बट If you have any doubt, any queries, you can put your comment in the comment section below. I will try my best to remove your problem. और फ्रेंड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉमेडी द सिटी मैडम कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, देन आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।